तो देख सकते हैं जी क्रियांश के लिए कितने सारे कपड़े आए हुए हैं जी, ढेर सारे कपड़े आए हुए हैं। किस पार्टी में जाने वाले हैं, किस ओकेजन के लिए हैं, अभी आपको बताएंगे। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी, स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो जी उम्मीद करते हैं अब तक आप लोगों ने जो है अपना नए साल का जश्न जो है मना लिया होगा। हम लोगों ने भी मना लिया, उसका ब्लॉग भी डाला था और काफी अच्छा लगा जी। हम लोग मंदिर गए थे और साथ में जो है अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ जो है कुछ समय बिताया और कुछ नए साल का जो है रिजोल्यूशन सब लिया हुआ है। तो आप लोगों ने भी लिया होगा और उम्मीद करते हैं कि जो भी रिजोल्यूशन आपने लिया है उसको आप पूरा कर पाए। वैसे होता यह है कि जब भी नए साल का रिजोल्यूशन लेते हैं, जो हमारे साथ होता है और ज्यादातर लोगों के साथ शायद होता होगा कि अगर 10 रिजोल्यूशन लिया है तो 2-3 पूरा हो जाए वही बहुत है। तो उम्मीद करते हैं इस बार जो है थोड़ा ज्यादा पूरा हो जाए। और फिलहाल हमको चलना है जी बाहर, क्योंकि नाश्ते के लिए लेकर के आना है हमको दालमोठ। तो दालमोठ जो है हम लोगों के लिए अच्छा रहता है जी, शाम में मुरही हो, चूड़ा हो, उन सब में मिला करके आराम से प्याज सबके साथ खा लेते हैं। तो फिलहाल जो है उसका स्टॉक थोड़ा कम हो गया, तो चलते हैं बाहर। और बाहर देख सकते हैं जी मौसम कुछ ऐसा है, अच्छा खासा ठंड है यहाँ पर। ठंड आना भी चाहिए जी, बहुत ही कम दिन का आजकल ठंड रहता है। तो उम्मीद करते हैं 10-15 दिन टिके तो थोड़ा मजा भी है। A few moments later. तो ये लेती आए जी दालमोठ और ये लेती आए जी चूड़ा। और इधर जो है क्रियांश अपना तबाही मचाया हुआ है। क्रियांश दूध का डब्बा लेकर इधर उधर घूम रहा है। और उससे पहले देख सकते हैं मटर का जितना भी छिलका है सब इधर उधर फेंका हुआ है। क्या कर रहा है क्रियांश? बस अब इसमें जो पानी रहेगा उसको पिएगा, ये आदत है। गिलास में जो पानी रहेगा उसको पिएगा नहीं, बर्तन में जो रखा हुआ पानी रहेगा उसको पिएगा। One hour later. अभी हमारा खाना पीना हो चुका है और हम आ गए हैं ऊपर। क्रियांश यहाँ पे लेटा हुआ है। क्रियांश तो नीचे इतना शोर कर रहा था, इतना शोर कर रहा था, ऊपर आने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर हमने कैसे इसको लेके आया ऊपर। और ये अभी दूध पिएगा फिर सो जाएगा। नीनी करोगे ना? तो इसको नींद कहीं से भी इतनी सी उम्मीद नहीं है कि ये सोएगा, देखते कब सोता है ये। तो क्रियांश का हो गया है मालिश, और मालिश जो है क्रियांश ऐसे नहीं करवाता है। जब सामने कार्टून खुल जाता है तो कार्टून देखते देखते मालिश करवाता है। इसको दबा के रखती हूँ तब करवाएगा। तो मालिश करने में भी जो अच्छा खासा मशक्कत है। तो क्रियांश का मालिश हो गया है, उसके बाद बाल में एकदम मसाज हो रहा है। इतना मेरा कोई कर देता रोज 10 मिनट तक मैं इसके बालों में से मसाज करती हूं। सही है। तो जल्दी से जब इसको गर्म कपड़ा पहना दिया जाए उसके बाद अब इसको सुलाया जाए, वरना इसका जगने का क्या, रात भर जगते रहेगा, खेलते रहेगा। कल 1 बजे सोया था। और रात में लेट से सोने की वजह से होता क्या है जी, आजकल जो है ठंड का समय है, सुबह का 9 बज जाता है, पता नहीं चलता है। आज हम लोग जो सुबह में उठे 9:10 में, हमारे घर की मेड आ गई थी और उन्होंने जो है गेट नॉक किया, और फिर उसके बाद जो हमें मालूम चला कि समय इतना ज्यादा हो गया। हम तो आश्चर्य हो गए कि अरे मतलब इतना लेट कैसे सो गए हम। अब जो है अलार्म लगा करके ही सोएंगे, ज्यादा लेट तक नहीं सोना है। भले थोड़ा लेट रात से सोए लेकिन समय पर जरूर उठ जाना है हमें। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 10 और पतिदेव यहाँ अपने काम पे लगे हुए हैं और क्रियांश जो है अभी तक सोया हुआ है। और मैं चलती हूँ कुछ काम कर लेती हूँ। यहाँ पे ये काम कर रहे हैं अपना, और जो है मैं दिखाती हूँ आपको, क्रियांश जो है 10:05 हो गया है और ये लल्ला अभी तक सोया हुआ है, ये आराम से सोया हुआ। बात है सुबह उठा था वो 6:30 बजे के करीब, थोड़ा देर खेला उला फिर सो गया। तो अभी सोचते हैं थोड़ा देर सोने देती हूँ, तब तक जितना काम हो सकता है काम कर लेते, फिर उठेगा तो एक काम नहीं करने देता है। और यहाँ पे हमारे कपड़े कुछ, ये क्रियांश का शूज है जो पूरा भर के कपड़ा है, तो चलते हैं छत पे। और यहाँ देख सकते हैं इतने कपड़े मैं फैला के गई हूँ, सिर्फ क्रियांश और क्रियांश के पापा का कपड़ा नजर आएगा आपको, देख सकते हैं। उधर जगह थोड़ा सा बचा है तो उधर फैला देती हूँ। और यहाँ पे मैंने बनाया है गर्मा गर्म कॉफी, इधर पतिदेव पी रहे हैं और इधर ये मेरा है। और क्रियांश अभी तक सोया हुआ है, क्रियांश को भी हमने दूध दे दिया है पीने को, देखते हैं कब जगता है। हमें लगता है दूध पी के उठ जाएगा, है ना? पता नहीं, उठना चाहिए। और इसी अगर आज नहीं उठा तो फिर सो जाएगा शाम में 6 बजे, फिर सुबह के 3-4 बजे उठ जाएगा। A few moments later. तो क्रियांश पहले नहीं उठ चुका है और ये सीधे उठ के यहाँ भाग रहा है बिना स्वेटर का। क्या बोला? उल्लू बना रहा है तो? हाँ, तो अच्छा लगा।
तो क्रियांश उठ गया है और क्रियांश आ गया है छत के ऊपर। और अच्छा है जी, आज जो है सूर्य देवता थोड़ा नजर भी आ रहे हैं और हम भी आ गए हैं धूप सेकने के लिए। पिछले 3-4 दिनों से जो है धूप का कोई भी नामो निशान नहीं था, तो आ गए हैं जी यहाँ पर और यहीं से अपना काम धाम चलेगा। और क्रियांश जो है थोड़ा सा गर्मा ले, आज जो है इसको नहाया जाएगा क्योंकि इसको भी नहाया हुआ जो है हो गया। जब से गोवा से आया है यहाँ पर स्नान नहीं कर पाया है क्योंकि ठंड आ गई थी बहुत तेज और मौसम जो है अचानक से बदल गया था यहाँ पर। और गोवा में जो है गंजी पैंट में आराम से घूम रहा था और यहाँ पर जो है अचानक स्वेटर सब में आ गया, तो थोड़ा सा डर लग रहा था कि इसको अभी नहाना सही रहेगा कि नहीं रहेगा, तो इसीलिए हमने जो है इसका नहाना उस समय स्किप कर दिया। और बेचारे को नहाने के बिना मन नहीं लगता है, नींद में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती थी, लेकिन आज जो है नहाएगा और पानी के साथ खेलेगा अपना। जब भी नहाता है पानी के साथ जम के खेलता है क्रियांश, है ना क्रियांश? कितना शांत क्यों है तुम? क्रियांश ने नाई नाई कर लिया, पूजा पाठ कर लिया, छाप कर लिया, हेयर वॉश किया है क्रियांश ने, आज हीरो बन रहा है। मम्मा ने कुछ नहीं किया है, बताओ बताओ कुछ कुछ बता दो, बोलो। अभी मैं अपना धूप से अपना बाल सुखा रहा हूँ, हाँ नेचुरल ड्राई, बोलो बोलो बोलो। बाल सूखेगा क्रियान, डूडू पिएगा, छोएगा क्रियान, ठीक है? मम्मा से नहीं करना तुम, बोलो तो मम्मा को बोलो। नहीं क्रियांश को देख सकते हैं, क्या करे बउआ? क्रियांशी क्रियांशी, ये सिर्फ आया था इसको घूमने के लिए और ये घूमता नहीं है, इसका चक्का घुमाता है उसको, वो भी पलटा के। मुश्किल से लगता है 2-3 दिन नए नए में घुमा है, बस इसका यही काम है। कहाँ बैठ रहा है तू? शर्मा गया क्रियांश, क्या शर्मा गया? दिख रहे दिख गया, दिख गया, इधर दिख गया, इधर दिख गया, देखो ये शर्मा गया, अभी कैसे कैसे अपने शकल बना रहा था, इधर भी दिख गया, देखो इधर दिख गया। नो क्रियांश, बाल मत खींचो। तो अभी मैं नहा के आई हूँ, अभी बज रहे हैं 2:30 और मुझे बहुत तेज भूख आई है और क्रियांश नहीं छूने वाला है आज। मम्मा को बाल मत खींचो क्योंकि आज ये लेट से उठा है ना क्रियांश, 11 बजे के करीब उठाई है, तो इस वजह से ये नहीं सो रहा है। बुआ सो जाओ, सो जाओ। 20 minutes later. तो देख सकते हैं जी क्रियांश के लिए कितने सारे कपड़े आए हुए हैं जी, ढेर सारे कपड़े आए हुए हैं। किस पार्टी में जाने वाले हैं, किस ओकेजन के लिए हैं, अभी आपको बताएंगे। पहले आपको दिखा देते हैं कि क्रियांश के लिए कौन कौन से कपड़े आए और किसने किसने भेजा है। ये दोनों तो उसके पापा ने मंगवाया हुआ है। हाँ। तो मैं सबसे पहले पापा का दिखाती हूँ क्योंकि अनबॉक्सिंग भी नहीं हुआ, मैंने भी नहीं देखा है कि आपने क्या ऑर्डर किया है क्रियांश। अच्छा ठीक है, उनको जो बस दिख जाता है अच्छा ये ऑर्डर कर देते अपने बेटे के लिए। देख लो हमको तो अच्छा लगा था ये, तो लगभग सारा कपड़ा फर्स्ट क्राई से ही हम लोगों ने लिया है। ये जैकेट मंगवाया था क्रियांश के, आपको व्हाइट पहनना चाहिए ना, आपकी बेटी को व्हाइट पहनना चाहिए। आप भी एक दिन में व्हाइट जैकेट खराब कर देते हैं और आपका बेटा। कोई बात नहीं, लेकिन दिखने में बड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा सा मेहनत लग जाता है इसको मेंटेन करने में, लेकिन ये देखो कितना परफेक्ट जैकेट है, मस्त एकदम। पापा के पास भी ऐसा, बेटे के पास भी है, अब मेरे पास भी, ऐसा नहीं मेरे पास नहीं है, मेरे पास भी है व्हाइट कलर। तो देख सकते हैं जी, यह है क्रियांश का एक प्यारा सा जैकेट जो लिया था हमने। हाँ। और देख सकते हैं इसका क्वालिटी सब बहुत ही प्यारा लग रहा था मुझे, फर्स्ट ट्राई का जितना भी कपड़ा होता है हमें तो अच्छा ही। तो ये अब दूसरा फट रहा है जी, जल्दी जल्दी फाड़ो इसको। हाँ, उसके बाद ये देख सकते हैं नाइट ड्रेस है ना। नाइट ड्रेस था सर, नाइट ड्रेस के अलावा एक ये विंटर जैकेट था। ये देखिए क्रियांश का कितना प्यारा सा, लड़की होती तो ज्यादा अच्छा लगता, देख सकते हैं जी क्रियांश के लिए जैकेट है ये, लेकिन ये थोड़ा और बड़ा लेते ज्यादा अच्छा बड़ा। कोई बात नहीं, कोई और पहन लेगा तब। हम सोचे थे बड़ा ही होगा, कितना मंथ का दे रहा है, हम तो सही मंगाए थे 18-24 2-3 ईयर है तब, ठीक है। और उसके बाद दिखाते हैं क्रियांश, ये दादाजी के तरफ से मिला है क्रियांश, क्रियांश के दादाजी की तरफ से ये हाफ जैकेट। क्रियांश के पास फुल जैकेट बहुत सारा था ना, तो इस वजह से, और ये एक फुल जैकेट, ये फुल जैकेट तो दादाजी की तरफ से, देख सकते हैं जी बहुत खूबसूरत, दो दो बहुत ही प्यारा ड्रेस आया है, ये भी बड़ा है और ये भी बड़ा है। हम्म, ये थोड़ा छोटा लगा मुझे, पता नहीं। और
और जो कि बहुत सुंदर है, इसके चाचा की तरफ से मिला है। जी हाँ, जब हम लोग गोवा गए हुए थे और जिनके यहाँ स्टे किए थे हम लोग, उन्हीं के द्वारा दिया गया है। और ये भी फर्स्ट फ्लाई की तरफ से यहाँ तो बहुत ही कोइंसिडेंस हुआ है, जिसने भी गिफ्ट करा है फर्स्ट क्लास से ही खरीदा है वह। बहुत सुंदर, ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा और कलर भी बहुत सुंदर है, तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत प्यारा तुमने दिया है। तो जी क्रियांश का विंटर कलेक्शन तो आपको दिखा दिया, और सबसे प्यारा ड्रेस आपको कौन सा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यह सारा ड्रेस जो है जी, बहुत सारा फंक्शन होगा घर सब में, और कहीं ना कहीं पार्टियां भी चल ही रहा होगा, लगन का महीना भी अभी खत्म नहीं हुआ है, कुछ कुछ लगन भी है अभी तो फरवरी सब में, तो पहनेगा। उसे लग रहा है कि एक महीना डेढ़ महीना ज्यादा नहीं पहन पाएगा ये, और बाकी जो भी इस साल नहीं पहन पाएगा वो अगले साल पहनेगा। 2-3 इयर्स का तो है, वैसे ही मंगवाया हुआ है एडवांस प्लानिंग करके। तो उम्मीद करते हैं जी आज का यह ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर दीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा ले ताकि हमारा कोई वीडियो आए सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।